नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं पत्ता गोभी के पराठे, या फिर बंद गोभी भी बोल सकते हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आटा लिया है, 2 कटोरी के करीब आटा है। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, तो हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया। अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून तेल डालूंगी मैं इसमें, और जैसे पराठे का डो बनाते हैं उसी तरह हम इसका डो बना लेंगे। तो हम पहले इसको मिला लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका अच्छा से एक पराठे का डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के माटे को गूंथ लेंगे अच्छे से। देखिए हमने अपना आटा तैयार कर लिया है और ये सॉफ्ट सा डो बना लिया है, जैसे परोठे का डो बनता है उस तरीके से मैंने बना लिया है। और इसको बनाने में हमने 1 गिलास पानी लिया था, तो 1 चम्मच के करीब पानी बच गया है। अब इस आटे को हम 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट पे। और चलिए अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ। तो हमने ये फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं और पसंद करते हैं वो डाल लेंगे। तो हमने तेल डाल लिया, अब डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून से भी कम है जीरा, 1 पिंच हींग, 1/2 धनिया पाउडर लिया है ये डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हमने हल्दी पाउडर लिया है ये डाल देंगे। ये हमने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है ये भी डाल देंगे। मसालों को चला लेंगे। गैस की फ्लेम को कम कर लेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। ये हमने लिया पत्ता गोभी लिया है, जो छोटी छोटी बारीक चॉप करके अच्छे से काट के रखी है। अब इसको डाल देंगे हम इसमें। पराठे की स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। फ्लेम को हमने कम कर दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ये हमने कद्दूकस करके अदरक रखी हुई है वो डाल दूंगी मैं। ये अदरक डाल दूंगी, कद्दूकस करके रखी हुई अदरक है ये डाल दूंगी। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मैं इसलिए लास्ट में डाल रही हूँ कि अगर नमक पहले डाल दी होती तो फिर इसमें पानी आ जाता, पत्ता गोभी पानी छोड़ देती और हमारी स्टफिंग गीली हो जाती, तो अच्छी नहीं रहती। हम इसको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा क्रंची रहना चाहिए, ज़्यादा इसमें जूस सा निकल जाएगा पत्ता गोभी का तो फिर स्टफिंग नहीं हो पाएगी। अब करेंगे हम गैस को बंद और थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर से धनिया पत्ता, इसको मिला लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए हमने आटा ढक के रखा था, अब आटे में से एक लोई निकालेंगे, ऐसे बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से जिस तरीके का परोठा बनाना चाहते हैं, बड़ा परोठा या छोटा, उस तरीके का इतना लोई ले लेंगे। फिर इसको ऐसे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे। अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, इसमें से हम लेंगे थोड़ा सा और लेंगे, इस पर परोठे को बना लेंगे ऐसे करके।
से आप बना लीजिए इसको। हल्के हाथों से इसे दबाएंगे। देखिए हमने हल्का से इसको दबा लिया और ये जो सूखा आटा रखा है हम उसमें एक बार लगा लेंगे सूखे आटे में और फिर इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। परोठा ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता तो परोठा थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। देखिए हमारा परोठा बन गया है। अब हम मैंने तवा चढ़ा रखा है, अब इसमें तेल लगा दूंगी थोड़ा सा। इस परोठे को डाल लूंगी। देखिए हम परोठों को पलट लेंगे। परोठे को हमने पलट लिया, उधर से थोड़ा सिकने देंगे परोठे को। इसको थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे, इधर से थोड़ा परोठे को सिकने देंगे। हम पलट लेंगे, इधर भी अपना थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें। से दबा के गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम हाई पे गैस की फ्लेम को रखेंगे और परोठे को ऐसे दबा दबा के सेक लेंगे। ये परोठा हमारा हो चुका है, बहुत ही अच्छा से सीख गया है परोठा। अब हम इसको उतार लेंगे और दूसरा परोठा डालेंगे। देखिए परोठा हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। देखिए ऐसे ही करके हमने दूसरा परोठा भी सेक लिया। एक एक करके सारे परोठे हम सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे परोठे बनके तैयार हैं। परोठे हमने थोड़े मोटे रखे हैं क्योंकि परोठे मोटे ही अच्छे लगते हैं। ऐसे आप परोठे बनाइए, बहुत ही अच्छे परोठे बनते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय दोस्तों।